नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। मुख्यमंत्री जन आवास योजना हरणी खुर्द के आवंटियों द्वारा शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आवंटियों द्वारा कॉलोनी में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण आ रही परेशानी से कलेक्टर को अवगत करवाया। नगर विकास न्यास भिलवाड़ा द्वारा आवंटियों को आवास का कब्जा नहीं देने और कुछ आवंटियों को जबरदस्ती से कब्जा पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर अधूरे आवास में ही रहने को मजबूर किया गया। घनश्याम कुम्हार को अधूरे फ्लैट में ही कब्जा दे दिया गया। नगर विकास न्यास में पट्टा लेने जाने वाले आवंटियों से 250 से 500 रुपये आवास शाखा में लिए गए। ज्ञापन में पानी की व्यवस्था करवाने, बिजली की कनेक्टिविटी सिक्योर से करवाने की मांग की गई। इसको लेकर शुक्रवार को राज जांगिड़ के सानिध्य में योजना के आवंटियों मुकेश धाकड़, रोशन सेन, घनश्याम कुमार, तरुण व्यास, नारायण सिंह चारण, वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, प्रकाश सेन सहित अन्य लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज हमने ज्ञापन दिया है हरणी खुर्द में 2016 में हमारे को आवास आवंटित हुए हैं, जिसके अंदर पानी की समस्या है। पानी वहाँ पर नहीं है, चंबल का पानी वहाँ लाना है, प्लस बिजली की समस्या है। हमने सिक्योर मीटर के पास घूम रहे हैं, नगर विकास के पास, UIT के पास घूम रहे हैं, सभी के पास घूम रहे हैं, लेकिन मीटर कनेक्शन देने के लिए मना कर रहे हैं। एक दूसरे कमरे में जाते हैं तो हमारे आवंटियों को धक्का दे के बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ 250-300 रुपये रिश्वत भी ली जा रही है पट्टा देने के नाम पर। ये हमने देखा है, हम सभी लोग परेशान हो रहे हैं और इन सब परेशानी की वजह से हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे आवास का हमें कब्जा दिया जाए और जो भी वहाँ कमी पूर्ति उसको पूरी की जाए और चंबल का पानी जल्द से जल्द लाया जाए और उसके लिए एक समुचित व्यवस्था जो अभी हाल फिलहाल में हो सकती है ट्यूबवेल खुदवाई जाए और जल्द से जल्द सिक्योर मीटर कनेक्शन वहाँ जारी करें हम लोगों को। कितने पर 892 टोटल फ्लैट है, करीब 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ निवास करेंगे। सभी के सामने समस्या है और जितने भी वहाँ आवंटी है सबके सब अल्प आय वाले हैं और करीबन दो साल से कोरोना चल रहा है, उसी कारण आमदनी सभी के परेशान है। अब हम मकान का किराया भरें या मकान किस्त, उसकी फ्लैट की किस्त भरें या खर्चा चलाएं, क्या क्या चलाएं, इन सब में हमको समस्या बहुत बड़ी हो रही है। राज जांगिड़ नाम मेरा और हमारे आवंटी भी हैं साथी। शाहपुर और फूलिया कला क्षेत्र में आए दिन होने वाली चोरी की वारदातों से आमजन में दहशत है। पिछली चोरी की वारदातों का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। आए दिन चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे आम जन में रोष है। पुलिस सवालों के घेरे में है कि आखिर चोरी की बढ़ती वारदातों पर पुलिस लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। तर ना ही पिछली चोरी की घटनाओं का खुलासा पुलिस अब तक कर पाई है, जिसको लेकर भाजपाइयों ने SC मोर्चा जिला महामंत्री अविनाश जिंगर की अगुवाई में शाहपुरा पुलिस उप अधीक्षक कर्ण सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि शाहपुरा और फूलिया कला क्षेत्र के गांवों में दिन दहाड़े चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं। आम जन का जीना दुश्वार हो रहा है। ग्रामीण जीवन भर मेहनत और मजदूरी करके परिवार चलाने और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए पेट काटकर कड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं शाहपुरा और फूलिया कला तहसील क्षेत्र में आए दिन घटित हो रही है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने, नकदी चोरी हो चुकी है। बढ़ती चोरी की घटना को लेकर उनकी रोकथाम के लिए गांव में पुलिस मित्र नियुक्त किए जाएं और पुलिस द्वारा गांवों में गश्त करने, पुलिस मित्र की सहायता से गांवों में भी सुरक्षा व्यवस्था की जाने और विशेष गश्त की व्यवस्था को प्रभावी करने की मांग की गई है। शाहपुरा और फूलिया कला क्षेत्र में बढ़ती चोरियों से अभी घर छोड़कर जाना भी दूभर हो गया है। घर की छत पर सोए हुए लोगों के आशियाने के ताले तोड़कर लाखों की चपत लगाकर चोर चले जाते हैं। शाहपुरा फूलिया कला क्षेत्र में जहां कई सुने मकान के दिन दहाड़े ताले तोड़े जा रहे हैं, कई छत पर सोए हुए परिजनों के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे आम जन में दहशत व्याप्त है। फूलिया कला थाना क्षेत्र में पिछले 2-3 महीने में आधा दर्जन से अधिक चोरी के मामले सामने आए हैं। देवरिया में एक परिवार छत पर सो रहा था और नीचे चोरों ने उनके जीवन भर की कमाई पर हाथ साफ कर दिया। लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने, नकदी लेकर के फरार हो गए। उसी प्रकार 8 मई की रात को आमली कालू सिंह में पुत्री के विवाह के लिए रखे 15 तोला सोना, 2 किलो चांदी के जेवरात और नकदी कमरे के बक्से और अलमारियों में रखी हुई थी, जिनको भी चोरी कर लिया गया। 5 मार्च को फूलिया कला थाना क्षेत्र के राज्यास में एक किसान मूलचंद बेरवा की महीनों की खून पसीने की कमाई पर डाका पड़ गया। खेत पर बने मकान से नकदी व लाखों के जेवरात अज्ञात चोरों ने चुरा लिए। इसके अलावा कुछ दिनों पहले क्षेत्र के खामोन में बजरंग शर्मा और बालमुकुंद जोशी के खेत में आर्मेचर, 300 से 400 फीट लंबा विद्युत तार सहित कुछ उपकरण चोरी हुए थे। इसी तरह अरवड़ में भी पाराशर और अन्य 2-3 घरों में चोरों ने धावा बोला था।
खिड़की जंगले तोड़ दिए थे, लेकिन मामले का खुलासा अब तक नहीं हुआ, माल बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा शाहपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम शंभूपुरा में दिन दहाड़े अज्ञात 3 बाइक सवार लोगों ने सोने चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था, लेकिन अभी तक एक भी वारदात का खुलासा नहीं हो पाया है। ज्ञापन में जिला परिषद सदस्य एडवोकेट शिवराज कुमावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष मूल सिंह सूडा, पंचायत समिति सदस्य सांवरलाल गुर्जर, मंडल उपाध्यक्ष भीरूलाल गाडरी, मंडल महामंत्री मनोज गुर्जर, पार्षद मोहन गुर्जर, स्वराज सिंह, पूर्व पार्षद दीपक पारिक, बीरबल पवार, विश्व हिंदू परिषद सहजिला मंत्री कैलाश धाकड़, प्रखंड अध्यक्ष एडवोकेट विजय पाराशर, एडवोकेट जितेंद्र पाराशर, अनुसूचित जाति मोर्चा के नटवर सोलंकी, युवा नेता अमरचंद जाट, रामप्रसाद गुर्जर, कन्हैयालाल गुर्जर, भीरूलाल गाडरी, रघुनाथपुरा, पूर्व पार्षद रवि बोरा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है स्वच्छ एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। आमतौर पर शहरी और ग्रामीण इलाके में जल की उपलब्धता और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना सभी के लिए चुनौती का विषय है। इसी क्रम में समाज सेवा में अग्रणी संस्था जवाहर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिजू झुंझुनवाला के निर्देशानुसार स्वच्छ पेयजल के अपने उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य करते हुए स्वाभिमान जल कार्यक्रम के अंतर्गत भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा में, बनेड़ा क्षेत्र के अस्पताल रोड नजरबाग में और रूपनगढ़ के सुरसुरा ग्राम में हनुमानगढ़ किशनगढ़ मेगा हाईवे पर एक अत्याधुनिक स्मार्ट कार्ड द्वारा संचालित वाटर एटीएम लगाया है। इस वाटर एटीएम में ग्रामीण और आगंतुक व्यक्ति को स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए स्मार्ट कार्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। जब सभी जगह टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, उसी दिशा में स्मार्ट कार्ड के माध्यम से टच करके आप अपने लिए जितनी मात्रा में जल चाहें प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट कार्ड में मेट्रो की तर्ज पर पैसे लोड किए जा सकते हैं और न्यूनतम दर पर एक एक व्यक्ति को एक बार में 20 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। जवाहर फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण इलाके के लिए कैंपर की भी व्यवस्था जल्द की जाएगी। जल वितरण प्रणाली के तहत रियायती दर पर घर घर जल पहुँचाने का कार्य भी यहाँ से किया जाएगा। इस कार्यक्रम के उद्घाटन शनिवार सुबह 10 बजे बनेड़ा क्षेत्र के राजाधिराज गोपाल चरण सिसोदिया, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा, शाहपुरा नगर पालिका के चेयरमैन रघुनंदन सोनी, मुन्ना कंवर, अक्षय दराश्री, लक्ष्मीलाल सोनी, कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बालमुकुंद तोशनीवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्षा किरण तोशनीवाल, ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर, विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार बैरवा, संतरा सेनानी, बाराहट बंधु परिवार से विशाल सिंह बराठ, संदीप जिनगर, बनेड़ा ग्राम के सरपंच और गणमान्य व्यक्ति और ग्रामीण मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर जवाहर फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष इंदु मेहता, प्रभारी रजनीश वर्मा, जल कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र मुद्गल और पोयम संस्थान से केपी रंजन मौजूद थे। बिकॉज कल सुबह हम 10 बजे बनेड़ा में अपने वाटर एटीएम प्रोजेक्ट्स अंडर स्वाभिमान जल के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जवाहर फाउंडेशन के फ्लैगशिप में। हमारे चेयरमैन रिजू झुंझुनवाला जी उनके नेतृत्व में ये सेकंड प्रोजेक्ट हमारा जाएगा जो कि हम ईयर आफ्टर ईयर लॉन्च कर रहे हैं। उनकी सोच थी कि खाने के साथ साथ हम स्वच्छ जल भी लोगों तक पहुंचाएं, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में उनका उद्धार करें क्योंकि वहां पे पानी की समस्या काफ़ी सालों से बढ़ती जा रही है। एंड कल गोपाल चरण जी हमारे 10 बजे आएंगे हमारे उद्घाटन के लिए। कल बनेड़ा का वाटर एटीएम का इनॉग्रेशन होगा और अगले नेक्स्ट डे हम लोग भीलवाड़ा में अजमेर में सुरसुरा प्लांट का अपना उद्घाटन करेंगे। सो इससे अपने लोकल पॉपुलेशन ये 3000 लीटर पर डे वाटर प्रोड्यूस करता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 7 रुपये में 20 लीटर वाटर एटीएम के जरिए से आप स्मार्ट कार्ड बना के 24 घंटे पानी उपलब्ध। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के महा के निःशुल्क शिविर
पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर जीएल शर्मा डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख समय प्रातः 7 बजे स्थान सीताराम धर्मशाला एमजीएच परिषद फिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर फिरवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय एमजीएच परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर एस एन नुवाल सुभाषकर। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकवाणी ऑफिस महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने शाम की सब्जी मंडी फिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817 समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू और पीएफए जयपुर जिला संयोजक सूरज सोनी ने राज्यपाल कलराज मिश्र से रूबरू मुलाकात करते हुए वन वन्यजीव एवं झील जलाशय संरक्षण के लिए सरकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। जाजू ने राज्यपाल को 10 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जाजू को फॉरेस्ट बजट बढ़ाने का विश्वास दिलाते हुए उक्त समस्याओं के निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का भी विश्वास दिलाया। चित्रांश वेलफेयर सोसाइटी भिलवाड़ा व अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की संयुक्त मीटिंग कांची रेस्टोरेंट में आयोजित हुई। सचिव मनोज जोहरी ने बताया कि चित्रांश वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव कोरोना के कारण विलंबित हो चुके हैं, अतः मीटिंग में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मौजूदा कार्यकारिणी को दिनांक 31 मार्च तक मनोनीत किया जाता है। संरक्षक चंद्रप्रकाश माथुर की अध्यक्षता में भवानी शंकर श्रीवास्तव अध्यक्ष, अतुल भटनाकर उपाध्यक्ष, मनोज जौहरी सचिव, शिशिर माथुर सह सचिव, राजेंद्र सक्सेना कोषाध्यक्ष एवं एनएस माथुर, सूरज सक्सेना, सौरभ श्रीवास्तव को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया। महिला प्रकोष्ठ की रीना भटनाकर को अध्यक्ष मनोनीत किया गया एवं पारित प्रस्ताव में रीना को अपने विवेक के अनुसार कार्यकारिणी में विस्तार या बदलाव की अनुमति दी गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के अध्यक्ष सूरज सक्सेना के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया कि वे भी कार्यकारिणी का बदलाव कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम में सुशील सक्सेना, आलोक श्रीवास्तव, भूपेंद्र माथुर, नीरू माथुर, डॉक्टर निशा माथुर, चारू माथुर, रेखा श्रीवास्तव, किरण माथुर, अनीता भटनागर, ज्ञानवती माथुर एवं बड़ी संख्या में चित्रांश समाज के लोग उपस्थित रहे। मीटिंग का सफल आयोजन सम्पन्न हुआ।
कुमुद विहार कॉलोनी परिसर में कॉलोनी के बच्चों ने तेज गर्मी से पक्षियों के संरक्षण के लिए 5 BHK बर्ड हाउस लगा करके प्रतिदिन दाना पानी डालने का संकल्प लिया। तेज पड़ती गर्मी, विशालकाय पेड़ों की कमी के चलते अनिका अग्रवाल, गौरी चेचानी, आराधी जाजू, कृष्णा माहेश्वरी, प्रखर घिया, सिद्धि गर्ग, राम जाजू, निक्षित पाटनी, तविश अग्रवाल, अबीर जाजू, अथर्व सारस्वत ने कॉलोनी में ही 5 बर्ड हाउस लगाए। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने नन्हे बच्चों के पक्षियों के लिए किए जा रहे इस अद्भुत कार्य की सराहना करते हुए इनका हौसला बढ़ाया। कबीर की विरासत को आगे बढ़ाने को देश और दुनिया में पहुंचाने के लिए कबीर यात्रा के अंतर्गत अपने सुरीले संगीत से कार्यक्रम करने वाली शबनम वीरमानी की कबीर यात्रा का कार्यक्रम भीलवाड़ा के अग्रवाल उत्सव भवन में आयोजित किया गया। नारायण लाल लड्ढा की अगुवाई में गौसवा परिवार की ओर से आयोजित इस कबीर यात्रा में शहर और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर कबीर के भजनों का आनंद लिया। मंच पर शबनम वीरमानी और उनकी टीम के पहुंचने पर नारायण लड्ढा, कृष्ण गोपाल मुंदड़ा, गोपाल केजे कदम, निशांत सोमाणी, मधु काबरा, महावीर समदानी, सोनू मुंदड़ा ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा द्वारा आयोजित कला अभिरुचि शिविर के 5वें दिन परिषद के केंद्रीय रीजनल और प्रांतीय पदाधिकारी मुकुंद सिंह राठौड़, बलराज आचार्य, संदीप बाल्दी, गुणमाला अग्रवाल, पारसमल बोहरा, कैलाश अजमेरा, मुकेश लाठी, दिनेश शारदा, रजनीकांत आचार्य, श्याम कुमावत, अरुण बाहेती, अमित सोनी, सुनीता नारायणीवाल, सुनीता शारदा, भारती मोदानी द्वारा शिविर का अवलोकन किया गया। सभी अतिथियों ने शिविर की भूरी भूरी प्रशंसा की। अतिथियों ने बताया कि इस तरह के शिविर से बच्चों और अन्य प्रतिभागियों को कई तरह के कोर्स सीखने को मिलेंगे, इनमें छिपी प्रतिभा का निखार होगा। मीडिया प्रभारी गोविंद लड्ढा ने बताया कि अभिरुचि शिविर में अब तक 710 प्रशिक्षणार्थियों ने पंजीयन करवाया है। सचिव शारदा चेचाणी ने बताया कि सुबह स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता काबरा ने महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण और उपाय पर उद्बोधन दिया। इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष राजेश चिचाणी, भारत भूषण अग्रवाल, राम प्रकाश अग्रवाल, पंकज जैन, कैलाश सोमाणी, सुमित जैन, सुभाष जैन, ओम खटोर, दिलीप पोखर, दिलीप पारख, कैलाश तोतला, दिनेश विजयवर्गीय, महिला प्रमुख आशा दरगढ़, इंदु चिचाणी, रश्मि कालाणी, सुनीता रावत, वीणा खटोर, अमन सोमाणी, सीमा बिरला, कृष्णा भदादा, साधना खंडेलवाल, खुशबू लाठी, सुमन माहेश्वरी, सुनीता खटोर, सुमित्रा झवर सहित कई लोग उपस्थित थे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।